ठीक है, तो हम प्रार्थना स्टार्ट कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद हम लोग प्रवचन के ऊपर हम लोग भूमिका में देखेंगे फिर, ठीक है? तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए, ओम अज्ञान तिमिरंधस्या ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना ज्ञानांजना शलाकया शलाकया चक्षून्मीलितं येन चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले रूप स्थापितां यद भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् ददाति ददाति स्वाम चिन्तनम् नमः ॐ विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति स्वामीनिति नामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे पाश्चात्यदेशकामारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद त्रियद्वैत गदाधर त्रियद्वैत श्रीवासादि गदाधर गौरभक्तवृंदा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम आपसे यहाँ पर भगवद गीता के ऊपर चर्चा करने से पहले भगवद गीता का जो सॉफ्ट कॉपी है आपके स्क्रीन पे अभी शेयर कर रहे हैं, तो आशा करते हैं सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट स्लो हो रहे के कारण एक दो क्षण के बाद आपको यह साफ दिखेगा। अभी सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन भगवद गीता का? हाँ हाँ प्रभु प्रभु। जी ठीक है, हम स्टार्ट करें? यस प्रभु ठीक है ठीक है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भगवत गीता हमारे सामने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। ठीक है, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कोई एक एक भक्त आगे आ करके अपना माइक अनम्यूट करके, जो हाईलाइटेड है येलो कलर में पीले रंग में हाईलाइटेड करके रखा है, वो एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो पूरा हम चर्चा ठीक नहीं है करने जा रहे प्रभु हैं भगवत गीता का भूमिका, लेकिन सिर्फ उतना ही चर्चा करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर आवश्यक है, और जो कि हमने पहले भगवत गीता के जो 15 दिन का सत्र हुआ था उसमें हमने चर्चा नहीं कर पाया, उसके ऊपर ही चर्चा करने वाले। ठीक है, चलेगा क्या? मैं बीच में आप लोगों को नाम पुकार करके बोलूंगा, ठीक है, किसको पढ़ना है। ठीक है, ओके प्रभु ओके ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भगवद गीता के भूमिका में पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं भूमिका के कि जो भगवद गीता है उसको गीतो उपनिषद कहा गया है। हाँ, मतलब सभी उपनिषद में यह भी एक उपनिषद है, और ऐसा भी कहा गया है यह सभी का सार है भगवद गीता। हाँ, गीता सार, जैसे हमने कोर्स अभी अपने अभी आयोजन किया था गीता सार, है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि
जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वह भगवान कृष्ण जो है वह क्या कर रहे हैं, एक वत्सपालक की तरह उसका दूध निकाले। सर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो सुधीर वत्स भोक्ता तत्र गीतामृतम महत, ऐसे एक श्लोक आता है तो इसमें बोलते हैं कि सर्व उपनिषदो गाओ, सभी उपनिषद अगर गाय की भांति अगर मानेंगे तो उसमें जो एक भगवत गीता है वो सभी का सार है दूध के भांति, तो गाय से जो सार निकलता है दूध होता है। और क्या बोलते हैं, दुग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन जो कि भगवान कृष्ण स्वयं वो क्या है, वो दूध निकाल रहे हैं गाय से, गीता से, सभी उपनिषदों से। तो वो जो दूध है सभी उपनिषदों का जो अमृत है, गीता अमृत कहा जाता है, जैसे गीता अमृत, हाँ, तो उसको पीने से क्या होती है, हमारे जो स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, हमारे जीवन काल की वृद्धि होती है ना। तो यहाँ पर जो गीता पढ़ने से क्या होता है, गीता अमृत पीने से क्या होता है, भौतिक शरीर का शायद काल बढ़े या ना बढ़े लेकिन आध्यात्मिक प्रगति जरूर होती है ना। तो इसीलिए बोले पार्थ सुधीर भोक्ता, जो पार्थ है जो कि अर्जुन, वो क्या करते हैं, वो दूध पी रहे हैं। हाँ, तत्र गीतामृतम महत, तो ऐसे गीतामृत जो वो बहुत ही वो क्या उपयोगी है हमारे लिए। तो इसी के लिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में शिला प्रभुपाद ने, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इसका संस्करण उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो यह कहाँ कहाँ उपलब्ध है, देखिए यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, महेश प्रभु क्या आप पढ़ सकते क्या, जो पीला पीले कलर में लिखा है, निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, पढ़िए, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता के मर्म का स्पर्श के बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि जो भगवद गीता का प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हर एक जो अनेक भगवद गीता है भारत में, लाखों पत्तियां हैं भगवद गीता की, लाखों लेखकार हैं, टिप्पणी करता है जो कि भगवद गीता पे अपना टिप्पणी लिखते रहते हैं, सभी को हिंदी समझ में आता है ना यहाँ पर, जो भी ये ज्वाइन किए हैं, कोई कन्नड़ा क्लास वाले तो नहीं है ना यहाँ पर, सभी को हिंदी समझ में आता है, कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है यहाँ पर, अनम्यूट करके बोलिए, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ आ रहा है ना, कोई भी ऐसा नहीं है ना जो हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो कनाडा का क्लास दूसरे आईडी पर है, जूम पे, इस पे नहीं है, ठीक है ना, ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फिर हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि भगवद गीता के अनेक टिप्पणी करता है, जैसे मान लीजिए आपको हाँ तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आप जाएंगे मार्केट में पुस्तक खरीदने के लिए, तो आपको अनेक अनेक पुस्तक के लेखक करता मिलेंगे, हर एक कोई जो है अपने अपने अलग ढंग से प्रस्तुत करता है, लेकिन ये भगवद गीता ये कोई गणित या विज्ञान की पुस्तक तो है नहीं, जो कि जैसा हमारा साक्षात्कार हुआ वैसा हम, जैसा हमें मन में आया वैसा हम लिखते गए, है कि नहीं। यह भगवद गीता जो है यह कोई मनगणंत पुस्तक तो है नहीं, जिसके ऊपर अपने मन के जो भी इच्छाएं हैं, मन के अंदर जो भी विचार है उसको हम लिखते जाए, नहीं, भगवद गीता भगवान का संदेश है। भगवत मतलब क्या, भगवान कृष्ण, गीता मतलब उनके द्वारा जो गाया गया या 700 श्लोक है, इसीलिए बोला गया भगवद गीता। अभी देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे संस्करण उपलब्ध है भारत में अमेरिका में, लेकिन आपको प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। प्रमाणिक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करना है या किसी को मेडिकल डॉक्टर बनना है, तो आप कहाँ जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे हम, तो कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं हम, कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है,
जो कॉलेज अच्छा हो, अच्छे से पढ़ाया जा रहा वो कॉलेज चूज करेंगे। हाँ, जो अच्छे से पढ़ा रहा है। और ये भी देखेंगे क्या कॉलेज ऑथराइज है कि नहीं, सरकारी कॉलेज। हाँ, सरकारी कॉलेज नहीं जाएंगे कि जाएंगे? जाएंगे जाएंगे। ओके, जैसे हमारा अभी हमारी पढ़ाई NIT सूरत कल यहाँ पे, जैसे कर्नाटक का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ से हुई, तो किसी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, मद्रास में पे। हाँ, उसी तरह आपका इधर उड़ीसा में भी भुवनेश्वर में एक NIT है। तो हम सब ये देखते हैं कि अच्छा कॉलेज है, लेकिन सिर्फ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैबोरेटरी और वहाँ का फैसिलिटी अच्छा है, सिर्फ यह देख के हम नहीं जाते। क्या देखते हैं? कॉलेज ऑथराइज है कि नहीं, है कि नहीं, 4 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो कॉलेज जरूरी है या फिर कॉलेज जो है ऑथराइज्ड होना जरूरी है? ऑथराइज्ड होना जरूरी। तो ऑथराइज्ड कॉलेज मतलब क्या? AICTE करके एक कम्युनिटी होता है, एक या इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट है AICTE, उसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आ गए वो इंजीनियरिंग का डिग्री दे सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करना रहता। ठीक है, तो उसी प्रकार भगवद गीता के ऊपर भी किसी को अगर टिप्पणी लिखना है, तात्पर्य लिखना है, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन चाहिए। क्या ऑथराइजेशन चाहिए, किसी को पता है क्या? क्या चाहिए ऑथराइजेशन भगवदगीता के ऊपर टिप्पणी लिखना है तो? हम और आप लिख सकते हैं क्या, या क्या कौन लिख सकता है इसके ऊपर? क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता होनी चाहिए, किसी को पता है? पूरा ज्ञान, गीता के ऊपर पूरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, गीता के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, वही तो बताया। अगर कॉलेज है, कॉलेज में ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप जाएंगे क्या? नहीं ना, सिर्फ कॉलेज में ज्ञान दिया जा रहा है तो आप नहीं जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ और भी खोजेंगे। ऑथराइज है कि नहीं? अच्छा अच्छा, लेक्चरर। हाँ, जोर से बोलिए। अच्छा, सुरेखा माता जी, सुरेखा माता जी बोलिए आप। अच्छा लेक्चर चाहिए, ऐसा गीता में भी अच्छा गुरु लिखने का चाहिए, लिखना चाहिए। अच्छा, और उसके साथ आपने एक शब्द बोला गुरु। हाँ, गुरु शब्द बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई, और किसी का कोई विचार है, कौन टिप्पणी लिख सकता है भगवद गीता के ऊपर? बाकी कोई और? गायत्री माता जी, महेश काकड़े, सुजाता माता जी तो बोल दिए, तेजस्विनी, उल्लास, विधि, आप लोग भी बोल सकते हैं, छोटे बच्चे भी जो भी है ज्वाइन किए हैं 11th 12th वाले, सभी कोई बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में विचार है बोलिए। कौन लिख सकता है भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी जो कि ऑथराइज्ड हो, मतलब कि उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखा हुआ हो जी, और उसके साथ उसको संस्कृत क्लियर से समझ में आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए आना भी चाहिए। हाँ सही, तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने सभी ने अच्छा जवाब दिया। और कोई बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं क्या और कोई? ठीक है, तो एक ने बताया कि गुरु से ज्ञान लेना चाहिए और एक ने बताया ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो देखिए, एक बोलते हैं परंपरा सिस्टम, बोलते हैं परंपरा, जैसे कॉलेज में भी इंजीनियरिंग कोई अगर पढ़ने जाता है तो कॉलेज ऑथराइज होना चाहिए, उसी तरह जो गुरु होना चाहिए वो भी ऑथराइज होना चाहिए। ऑथराइज मतलब क्या कि वो जो है अपने गुरु से उसको नॉलेज मिलना चाहिए, या वो ऑथराइज परंपरा में आ रहा है। जैसे 4 संप्रदाय है, हमने अपने पहले चर्चा की, हमने भगवदगीता के 15 दिन के सत्र में ये चर्चा की है कि 4 संप्रदाय होते हैं जो कि ऑथराइज्ड होते हैं, है ना, ब्रह्म संप्रदाय, हाँ, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, है कि नहीं? तो ऐसे 4 संप्रदाय हैं, जो भी गुरु इन 4 संप्रदाय में आते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं। ठीक है, वो इसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं अपना साक्षात्कार के हिसाब से अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रमाणिक संस्करण मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो परंपरा में आने वाले गुरु हैं वही इसके ऊपर जो है लिख सकते हैं अपना तात्पर्य। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, अभी अगले पैराग्राफ में
सुरेखा माता जी आप पढ़ सकते हैं क्या अगला पैराग्राफ? भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है या इस प्रकार है, पढ़िए। यदि मैं यदि हमेशा एक मिनट प्रभु जी आवाज यदि हमें क्लियर नहीं आ रहा है अभी आ रहा है, पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़िए। एक मिनट औषधि विशेष का सोवन करना हो तो हाँ। अच्छा दिखता है प्रभु जी इसके लिए नहीं दिख रहा है क्या पूरा करना हो तो उस पर हाँ, अभी हाँ थोड़ा बड़ा कीजिए बड़ा करो एक मिनट हाँ पढ़िए अच्छा ठीक है कोई और पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ते प्रभु जी हाँ पढ़िए पढ़िए। विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है इस मन निर्देशों का पालन करना या मित्र के सलाह से औषधि नहीं ले सकते इसका सेवन लिखे चिकित्सक के निर्देशक अनुसार करना होता है इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्त द्वारा दिए गए अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। हाँ तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं हाँ प्रभु कि भगवत गीता हमें कैसे पढ़नी है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक मेडिकल शॉप में जाते हैं, हम डॉक्टर के पास गए, हमें कुछ भी बीमारी थी, मान लीजिए हमें बुखार था फीवर था, तो हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमें एक मेडिसिन दे दिया, बोला ये मेडिसिन हमें उनका चिट्ठा होता ना उस पर लिख करके दे देते पेपर पे, है कि नहीं प्रिस्क्रिप्शन कि ये मेडिसिन लीजिए ये सिरप लीजिए, ठीक है। अभी आप गए दवा खाना मेडिकल स्टोर दवाई खरीदने के लिए, ठीक है, आप दवाई स्टोर में जाकर के अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कंपाउंडर को या जो भी उधर है दुकान वाला, ठीक है, तो वो आपको मेडिसिन निकाल के देगा, सही है ना। तो आप जाकर के वो मेडिसिन लेते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, करेक्ट। तो अभी बताइए मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि हम जाकर के मेडिकल स्टोर में हमें एक बॉटल दिखता है लाल कलर का वो हमें अच्छा लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे मेडिकल स्टोर वाले को, मुझे वो लाल वाला बॉटल दे दो वो मैं खाऊंगा, ये जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने लिख के दिया है वो देने की जरूरत नहीं है, वो जो लाल वाला दिख रहा है ना मेडिसिन वो वाला दे दो मुझे और उसको हम लेकर के पिएंगे तो हमारा बुखार ठीक होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डॉक्टर दिया है ना वो ही सही है, इसका उसके तरफ पूरा ज्ञान है वो मेडिसिन। हाँ तो वो जो लाल कलर का मेडिसिन आपने लिया वो भी तो मेडिसिन ही है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो गलत मेडिसिन होगा प्रभु जी। हाँ वो भी मेडिसिन है लेकिन ये बीमारी का मेडिसिन नहीं है, करेक्ट ना। तो इसीलिए हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं, तो हमें पता नहीं है कि किस बीमारी के लिए क्या मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हालांकि वो जो ले लाल कलर का रेड कलर का जो सिरप रखा है वो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर भी हम उसको लेने से वो भी एक मेडिसिन ही है, लेने से हमारा बीमारी नहीं जाएगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में दो पेशेंट अगल बगल लेटे हैं, अभी तो कोरोना का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे हॉस्पिटल में अभी जगह भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप कभी दूसरे टाइम पे आप जाते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं आप क्या कि आपका सगा संबंधी मान लीजिए कोई बीमार है, उसको टाइफाइड है और एक को डेंगू है, ठीक है। अभी मान लीजिए टाइफाइड जो है और एक डेंगू है दोनों के बगल में बेड के बगल में टेबल पर मेडिसिन रखा है, अभी जो टाइफाइड वाला जो बीमार व्यक्ति है उसको डेंगू वाले का मेडिसिन अच्छा लग रहा है और डेंगू वाले को टाइफाइड वाले का मेडिसिन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं मेडिसिन डॉक्टर के ज्ञान के बिना और दोनों पीते हैं, क्या होगा अभी आगे?
ठीक नहीं होगा, बुखार ठीक दोनों भी ठीक नहीं होगा और साथ साथ उनका बीमारी भी बढ़ सकता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। हाँ ऐसा बोला जाता है जॉन्डिस वाले को, ऐसे शुगर केन का जो जूस रहता है, हाँ गन्ने का जूस वो देना चाहिए, अगर वो गन्ने का जूस टाइफाइड वाले ने पी लिया तो उसको मृत्यु भी हो सकता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया भगवद गीता में कि यदि हमें किसी औषधि का विशेष का औषधि विशेष का सेवन करना हो तो निर्देशों का पालन करना होता है, मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते, इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक या डॉक्टर के हिसाब से लेना चाहिए। इसीलिए इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। अभी भगवद गीता का वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देखिए अगला लाइन में लिखा है यहाँ पर भगवद गीता का वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो निसंदेह भगवान जो है वह कृष्ण के लिए बोला गया क्योंकि वो छह जो उनके ऑपुलेंस या उनके जो तीन उनके जो छह जैसे बोलते हैं ही इज ऑल फेमस ऑल नॉलेजेबल ऑल ब्यूटीफुल ऑल नॉलेजेबल ऐसे ऑल रिनाउंस्ड, छह क्वालिटीज हमने भगवदगीता का सॉरी भगवान श्री कृष्ण का भगवदगीता के प्रवचन में देखा है ना। तो भगवान नाम उसके लिए बोला जाता है जिसके पास ये जो छह गुण हैं वह पूर्ण रूप से, ठीक है। देखिए आगे फिर पढ़ेंगे हम यहाँ से, अगला कोई पढ़ सकते हैं? अंजलि माता जी पढ़ सकते हैं क्या? हमें यह जानना जरूरी होगा, हमें यह जानना होगा, पढ़िए जी। जी हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। हाँ देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो भगवान स्वयं को बोलते हैं भगवत गीता में, आम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम दृढ़ा भाव समन्विता। लेकिन कोई बोल सकता है अरे आप अपने आप को भगवान बोल रहे हैं कैसे माने? तो इसीलिए यहाँ पर जो है अलग अलग आचार्य जो कि अलग अलग संप्रदाय, जैसे मैंने बताया अभी आपको ऑथराइज्ड कॉलेज, उसी तरह ऑथराइज्ड परंपरा सिस्टम होता है जिसे संप्रदाय बोलते हैं, जिसमें जो भगवद गीता का ज्ञान, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान उस परंपरा से आता है, ठीक है। वो कौन कौन से आचार्य हैं? तो बोलते हैं शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्क स्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ वो सभी जो आते हैं और क्या करते हैं वो भगवदगीता के ज्ञान का वो क्या करते हैं पुनरारोपण करते हैं, और यह भी बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है ठीक है। हाँ देखिए अभी यहां पर क्या लिखा है, अतः भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताइए वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया, जितना बार लेने के लिए बोला गया, अभी मान लीजिए आपको सिरप बोला गया है कि खाने के बाद लेना है, ठीक है, और कोई खाने के पहले लेता है तो उसका इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो उसी प्रकार बोला गया कि हमें जो है जप करना है वह 108 बार करना है एक माला, हाँ ऐसे कम भी किया ज्यादा भी किया तो अच्छा है, हाँ लेकिन कम से कम 108 बार करना है एक माला करना है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन दिन में 3 बार लेना है, तो हम 3 बार लेंगे तो मेडिसिन में जो क्या होगा हमारा बीमारी ठीक होगा। उसी तरह हमने अगर एक माला का प्रण लिया है तो एक माला करेंगे तो हमारा क्या होगा भक्ति में वृद्धि होगी। कोई बोलता है नहीं हम 2 माला कर रहे हैं, हम 4 माला कर रहे हैं, हम 8 कर रहे हैं, हम 16 माला कर रहे हैं। तो जो भी जितना निश्चित करके प्रण लेता है उतना करने से क्या होता है और उसको धीरे धीरे बढ़ाता है 16 तक, तो क्या होता है उसकी बीमारी धीरे धीरे क्या होती है दूर हो जाती है। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा हेल्थ तो अच्छा है, अभी थर्मामीटर लगा के देखिए कोई भी फीवर नहीं है हमारे अंदर, क्या कौन सी बीमारी जाएगी भैया मंत्र जप करने से? तो बोलते हैं कि हमारी बीमारी क्या है, हमारे अंदर 6 प्रमुख बीमारियां हैं,
जिसके कारण हम भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में, वो कौन कौन सी 6 बीमारी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद। ना, ये 6 हो गया। काम 1, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ठीक है, ये 6 बीमारी है सभी भौतिक जगत के वासियों के अंदर। जो भी जीवात्मा भौतिक जगत में आई है वो क्या है? इन्फेक्टेड है। जैसे कोरोना का डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई खांस दिया, कोई छींक दिया, कोई छू दिया, इसके कारण। उसी प्रकार जो भी भौतिक जगत में आया है उसको या भव रोग बोलते हैं, वो लगा है। मतलब क्या? पुनः पुनः वो जन्म लेता है, फिर से शरीर त्याग करके मर जाता है, फिर से वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, फिर से बूढ़ा होता है, बीमारी होती है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर से वही करता है। तो ये एक बीमारी है। ठीक है, इसको मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा और भगवद गीता का ऐसे प्रवचन सुनना पड़ेगा। भगवान के लिए घर में जो भी कार्य करते हैं भगवान को अर्पित करके वो सेवा के रूप में करनी चाहिए। चाहे घर में हम बर्तन धो रहे हो, घर में अपना झाड़ू लगा रहे हो, या घर में कोई कार्य कर रहे हो, बच्चों का देखभाल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें यह सोच करके करना चाहिए ये सभी क्या है, हाँ, हमारे जो भगवान कृष्ण है उनको एक सेवा के रूप में कर रहे हैं हम। हाँ, घर जो है हमारा एक मंदिर है, या जो भी कार्य करेंगे वो सेवा की भांति है। जैसे अर्जुन वो युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, लेकिन वो हालांकि तीर और बाण चला रहा है, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहा है। हाँ, क्यों क्यों भक्ति हुआ? क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो भगवान के निर्देशों के अनुसार कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे अभी। तो गायत्री माता जी, क्या आप पढ़ सकते हैं क्या आगे यहाँ पर? निसंदेह, निसंदेह करके पढ़िए। हाँ प्रभु जी, थोड़ा ब्लर आ रहा है प्रभु जी। अच्छा जी, ठीक है, तो कोई ठीक है, ठीक है प्रभु जी, अभी आ रहा है, आ रहा है। हाँ पढ़िए। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है, किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशेष संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागरूक किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं भूमिका में, कि भगवत गीता में भगवान का संदेश है, लेकिन यह कोई पूछ सकता है अरे भगवान का संदेश है तो मुझे उससे क्या लेना देना? हाँ, भगवान भगवान है, हम हैं, हम अपन दोनों अपना अपना जीवन जिएंगे, उनसे हमारा क्या संबंध है? तो यह बोलते हैं कि सभी जीवों का भगवान से ऑलरेडी संबंध है। जैसे मान लीजिए हमारा जब जन्म हुआ तो माता से संबंध जन्म के बाद हुआ, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। बोला जाता है शास्त्रों में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। हाँ, तो बोलते हैं इसमें कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो साध्य कपुनाय, मतलब हरेक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम का जो बीज है वो हरेक व्यक्ति के हृदय में है ऑलरेडी, कोई उसको बाहर से ला करके डालने की जरूरत नहीं है। अंदर सभी के अंदर कृष्ण भगवान से या किसी भी भगवान से प्रेम करने की जो वृत्ति है ऑलरेडी है, चाहे वो नारायण हो, राम हो, नरसिंह हो, विष्णु हो या कृष्ण हो, उनसे प्रेम करने की जो वृत्ति है वो ऑलरेडी है अंदर। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि मतलब श्रवण स्मरण ऐसे करके 9 भक्ति के जो प्रोसेस है, विधि है, 9 विधा भक्ति जो है उसको करने से क्या होता है? करय उदय, उदय होगा। जैसे सूर्योदय होता है सुबह, शाम को चंद्रोदय होता है, तो ऐसा नहीं बोलते आज सूर्य का जन्म हुआ, आज चंद्रमा का जन्म हुआ, नहीं, वो सूर्य और चंद्रमा पहले से हैं, लेकिन अभी उनका उदय हुआ है ना। हम ऐसा नहीं बोलते आज सूर्य बाहर जो है उसका जन्म हो गया, नहीं। ठीक है, तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन श्रवण आदि शुद्ध चित्त, चित्त जो हमारा शुद्ध होता है, मन शुद्ध हो जाता है ऐसे श्रवण स्मरण ये सभी करने से, तो करय उदय, उससे उदय होता है।
तो ऐसा भी बोला जाता है शास्त्रों में कि सभी जीव का स्वरूप, यहाँ पर प्रभुपाद जी स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं, तो स्वरूप क्या है सभी लोगों का, तो बोलते हैं जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हर एक जीवात्मा का एक ही स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, ठीक है। तो भक्ति योग की जो प्रक्रिया है जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान देती है उसे स्वरूप सिद्धि का प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे भगवद्गीता की भूमिका में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रश्न है आपका तो पूछिए, जो भी अभी तक हमने डिस्कशन किया। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए भगवद्गीता में आगे भूमिका में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे हैं कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो असम ऊर्ध्व बोला जाता है उनको, असम मतलब उनके बराबर कोई नहीं है, ऊर्ध्व कोई बराबर नहीं है तो उनसे ऊपर जानने के लिए कौन होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बोला जाता है पराश शक्तिर विविधेव श्रूयते, हाँ, तो उनके जो अनेक अनेक शक्तियां हैं स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, हाँ, वो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर विद्यमान है, और उनके ज्ञान और बल से क्या होते जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत है वो क्रियाशील है, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि भगवत जो भगवान श्री कृष्ण वो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। तो शिला प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है कृष्ण पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कृष्ण, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एक पूरी पुस्तक है, हाँ। तो कभी हमें समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आते हैं भगवद्गीता के अनुसार, भगवद्गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमें सिद्धांत के रूप में कम से कम इतना स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है। मान लीजिए किसी को पूर्ण विश्वास नहीं अपने हृदय में, क्यों भगवान कृष्ण को ही बोला जा रहा है कि वो भगवान है, अरे इतने सारे और भी लोग हैं, ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, विष्णु है, कृष्ण के ऊपर क्यों लटके हुए ये इस्कॉन वाले, इसके ऊपर अभी आप विश्वास करके, क्योंकि अब भगवद गीता अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इतना कम से कम स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान है, ठीक है। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, हाँ ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि परम ईश्वर कौन है, कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद के विग्रह है, उनका जो शरीर है वो क्या है, सच्चिदानंद से बना हुआ है, हाँ। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि हमें भगवद गीता का पठन करने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक मैं छोटी कहानी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से विनम्र भाव होने से हमारा भगवद गीता का पठन जो है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, हाँ, श्रेयस्कर होगा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, वो नवद्वीप में आए थे, तो वो नवद्वीप से निकल करके दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। तो जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में आए तो अनेक अनेक स्थानों पर उनका भ्रमण हुआ, अनेक अनेक स्थानों पर गए। तो जब वो दक्षिण भारत की ऐसी यात्रा पे तो एक ब्राह्मण के वो समक्ष आए, तो ब्राह्मण को देखा सामने, तो वो भगवद गीता ऐसे पढ़ने का प्रयास कर रहा था भगवद गीता, लेकिन वो भगवद गीता क्या था, वो ऐसे उल्टा करके पढ़ रहा था, पढ़ने का प्रयास कर रहा था ऐसे उल्टा। अभी मान लीजिए आप देखेंगे किसी को भगवद गीता ऐसे उल्टा पढ़ते हुए, तो आप सोचेंगे अरे क्या वो अनपढ़ है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इस ब्राह्मण के साथ क्या एक विशेष अनुभूति थी इसको, या इसके आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, हाँ, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इनसे प्रश्न पूछा कि हे ब्राह्मण, आप इतने आप विज्ञ नहीं दिख रहे, आप इतने मतलब शास्त्रों में विद्वान तो नहीं लग रहे हैं, और आपको पढ़ना भी शायद नहीं आ रहा है, फिर भी आपके आंखों में आंसू क्यों, आश्रु क्यों आ रहे हैं, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे। तो ये ब्राह्मण ने बताया कि यह मेरे गुरु ने आज्ञा दी है मुझे कि भगवद गीता का पठन हर एक दिन करना चाहिए, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना आता नहीं है, तो लेकिन
मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और वह यह है कि भगवान कृष्ण जो कि स्वयं वो त्रिभुवन नायक हैं, तीनों लोकों के निर्माता हैं और भौतिक जगत के वो अध्यक्षता करते हैं, और यहाँ भौतिक जगत ही नहीं आध्यात्मिक जगत के भी रचयिता हैं, वो भगवान कृष्ण एक तुच्छ सारथी के रूप में, जैसे कार का ड्राइवर होता है ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ से राइट ले लो, यहाँ से लेफ्ट ले लो, उधर जाकर के पार्किंग कर दो, ऐसे ही वो अर्जुन के ड्राइवर बन के बैठे हैं। हाँ, तो ड्राइवर बनना मतलब क्या, बहुत ही निम्न स्तर का एक पोजीशन लेना। वैसे ही भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सामने, अपने भक्त के सामने एक सारथी के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में बैठे हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान को जानकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आपका जो जीवन है वह क्या है, सक्सेसफुल हो गया है, वो अभी सिद्धि को प्राप्त हो गया है, क्योंकि आपके हृदय में इतना विनम्र भाव है। हालांकि किसी को मान लीजिए थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाता है, थोड़ा संस्कृत आ जाता है, थोड़ा शास्त्र का ज्ञान आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो ऐसा बोला जाता है ज्ञान जो है सिर के ऊपर चढ़ जाता है, और उसके आने के बाद, ज्ञान आने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है अरे मुझे गुरु से भी ज्यादा आता है, और गुरु से क्या, मुझे तो भगवान के भी ज्यादा आ रहा है। ऐसी बातें तो भगवद गीता ने भी नहीं बताया कि जैसे मुझे साक्षात्कार आ रहे हैं। तो ऐसे भाव से कोई भगवद गीता पढ़ेगा तो उसे भगवद गीता का ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हि एतद् उत्तमम्। मैं आपको ये भगवद गीता का रहस्य क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि आप भक्त हैं, भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र होते हैं। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना आमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरी। भक्तों का गुणगान किया जाता है इस प्रकार से, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षाष्टक में लिखा गया है तीसरा श्लोक। तृण आदपि सुनीचेना, जो भक्त होते हैं वो तृण मतलब एक घास के तिनके की भांति वो क्या होते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं। तरोर इव या तरोर अपि सहिष्णुना, मतलब जो वृक्ष होता है उसको काट दिया जाए, जला दिया जाए, फिर भी चिल्लाता नहीं है, वो प्रत्यक्ष मतलब वापस जो है वो क्या करता है, रिएक्शन नहीं देता है, प्रतिकार नहीं करता वो। उसी प्रकार भक्त भी विनम्र होते हैं। हाँ, तो ऐसे ब्राह्मण जो जिनसे श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट हुआ, उनसे उनको शिक्षा मिली कि विनम्रता से ही भगवद गीता सीखा जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसीलिए तब भगवद गीता को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक महान रहस्य। अभी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है भगवद गीता एक महान रहस्य, क्यों, कोई बताना चाहेंगे कि रहस्य क्यों बोला जाता है भगवद गीता को? अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। भगवद गीता तो हमने इतना सारा लाखों लाख करोड़ों भगवद गीता बांट दिया सभी स्कूलों में, कॉलेज में, और पूरे देश भर में, पूरे विश्व में बांट दिया भगवद गीता प्रिंटिंग करके। यहाँ पे तो प्रभुपाद बोल रहे रहस्य है, क्यों रहस्य है? क्योंकि इसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता, ठीक है। रहस्य क्यों है? रहस्य मतलब क्या, गोपनीय मतलब, इसको आसानी से कोई समझ नहीं सकता, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? भगवान का वेद है, भगवान का वाक्य है। हाँ, थोड़ा जोर से बोले सूर्य का माता जी। ये कृष्ण भगवान का भगवत गीता वेद है ना, संदेश दिया है ना। हाँ, इसके वो बहुत रहस्य है। अच्छा, ठीक है। कोई और जवाब देना चाहेंगे, उत्तर देना चाहेंगे कोई और? ये भगवान ने जो सुना है जो अर्जुन को भगवत गीता है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। मतलब कि इसमें बहुत, जस्ट जितना आप अंदर अंदर जाओगे, जितना आप किसके बारे में पढ़ोगे, उतना आपको इसका जो आनंद है ना, वो बढ़ते ही चला जाएगा। हाँ, अच्छा, बहुत ही अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? बाकी लोग उल्लास प्रभु, गायत्री माता जी, हमसे जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गई है इसमें। हाँ, जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गया, ठीक है। और कोई उत्तर? धर्म अधर्म। हाँ, क्या? धर्म अधर्म सत्य, इसके बारे में बताया गया। हाँ, बहुत ही अच्छा अच्छा जवाब दिया सभी ने। देखिए, इसको
यहाँ पर क्यों एक तरह से रहस्य माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता जैसे हमने चर्चा की सिर्फ परंपरा में समझा जा सकता है। हाँ, परंपरा में ही समझा जा सकता है। ऐसे कोई भी अपने से, मान लीजिए किसी को इंजीनियरिंग करना है, फिर से वही उदाहरण, तो इंजीनियरिंग का बुक हम घर पे लेकर के आएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 4 साल तक पढ़ाई करेंगे घर पे बैठ के इंजीनियरिंग का किताब, क्या हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? क्या प्रॉब्लम है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। हाँ, बहुत ही अच्छा, गायत्री माता जी ने बताया गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और कैसा गुरु होना चाहिए? परंपरा में आना चाहिए गुरु, उसने अपने गुरु से सीखा होना चाहिए, उसके गुरु ने उसके गुरु से सीखा होना चाहिए, उसके गुरु ने उसके गुरु से सीखा होना चाहिए। ऐसे पीछे चलने जाएंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, भगवान के पास जाएगा। ठीक है, तो अन्य जगह पर प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया और अर्जुन के आगे ऐसे अनेक राजाओं को ज्ञान दिया गया जो कि क्या है, परंपरा में आता है। लेकिन सकालेन महता, हाँ, धीरे धीरे यह ज्ञान का जो श्रेय था वह लुप्त हो गया। तो इसीलिए यह गूढ़ रहस्य क्यों है? हाँ, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम इदम बोला जाता है कि यह भगवान का जो ज्ञान है इसे सिर्फ परंपरा में समझा जा सकता है। कोई भी ऐसे किताब पुस्तक उठा करके कोई भी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवत गीता को भी समझा अपने आप नहीं जा सकता, उसे किसी ना किसी गुरु का शरण लेना पड़ेगा, तभी भगवत गीता को समझा जा सकता है। ठीक है, अभी आगे चलेंगे हम। तो देखिए यहाँ सबसे लास्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त ज्ञान से मुक्त था, अज्ञान से मुक्त था, अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान कृष्ण ने उनको मोह में डाल दिया, अज्ञान में डाल दिया, योग माया में बोला जाता है डाल दिया। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, मान लीजिए एक घर में एक नवविवाहित जो युवती आई है, अभी नया उसकी शादी हुई है, ठीक है, और माता वो उसको सिखाना चाहती है कि खाना कैसे परोसना चाहिए, है ना, प्लेट में कैसे डालना चाहिए, पहले चटनी डालना चाहिए, पहले चपाती डालना चाहिए, फिर सब्जी डालना चाहिए, फिर चावल डालना चाहिए, फिर दाल डालना चाहिए, ऐसे है कि नहीं? तो अभी डायरेक्ट जो नया जिसकी शादी हुई है उसको डांटेंगे तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तो इसीलिए जो सासू माँ होती है, सासू माँ आप लोगों को पता है ना, अभी सभी इधर ज्यादातर माता जी, सासू माँ पता है आपको, हाँ, बहू होती है और एक सासू माँ होती है और एक बेटी होती है। हाँ, तो यह बहुत ही फेमस टीवी में सीरियल सभी आता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत पहले आता था जब हम लोग बच्चे थे तो हमारी माताएं ये सभी देखती थी। तो ये सभी में क्या होता है कि जो जो सासू माँ है वो डायरेक्ट बहू को अगर कुछ बोला तो बीच में तांडव हो जाता है, बहुत फाइटिंग हो जाता है दोनों, और स्पेशली जब नया है तो बहुत ही। इसीलिए जो सासू माँ होती है वो क्या कहती है, अपनी बेटी को डांटती है कि तुम्हें खाना परोसना नहीं आ रहा है सही से, अच्छे से परोसो, पहले दाल नहीं डालते, पहले चावल डालते हैं। लेकिन डायरेक्ट बहू को, नई नवेली बहू को बोले तो उसको बहुत गुस्सा लग जाएगा, है कि नहीं? आजकल पता नहीं साथ में रहते हैं कि नहीं रहते, ये तो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए साथ में रह रहे हैं तो हालांकि जो बेटी है वो अच्छे से सर्विंग कर रही है, परोस रही है, लेकिन उसको डांट मिलती है, क्योंकि उसको डांटने से बहू को सीखना मिलेगा। समझ में आया क्या आपको एग्जाम्पल? जी जी प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, हाँ समझ में आया ना, ये बहुत इजी से अंडरस्टैंडेबल था सभी माता जी के लिए। हाँ, तो इसीलिए जो यहाँ पर अर्जुन है वो भगवान के भक्त हैं,
वो भगवान जो यहाँ पर एक जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ भगवत गीता में सभी को संदेश दे रहे हैं अपना कि कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर हम लोगों को बोलेंगे तो हम लोग नए नवेली दुल्हन की तरह, हमें डायरेक्ट बोला तो बहुत बुरा लगेगा, अरे क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, हमारे अंदर तो ये सब कुछ भी नहीं है, हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो ये सब, भगवत गीता सभी बंद करो। तो क्या करते हैं भगवान, डायरेक्ट हमको नहीं बोलते, वो बोलते ठीक है आप लोग सभी अच्छे हैं। तो भगवान अर्जुन जो उनके प्रिय भक्त हैं उनको अज्ञान में अविद्या में डाल देते हैं बाहरी रूप से, हालांकि वो उनके शुद्ध भक्त हैं, वो अज्ञान से मुक्त है, लेकिन योग माया बोलते हैं इसको, उसमें डाल करके उनको ये सब प्रश्न पूछ रहे कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है, आप भगवान कैसे हैं, हाँ ये सभी पूछ रहे हैं उनको हमें ज्ञान देने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अभी। किसी का कोई प्रश्न है क्या अभी तक जो हमने चर्चा की उसके ऊपर, किसका कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो पेज क्रमांक 11 पे जाएंगे अभी हम। ठीक है, तो कोई पढ़ सकते हैं क्या यहाँ पर, भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह जी से काम प्रभु में लाए। जी हाँ पढ़िए प्रभु पढ़िए। जी भगवान द्वारा हमारे हिस्से में ये रखी गई वस्तुओं की किस तरह काम में ला जाया, इसके इसके उनके उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मार कर राज्य का भोग नहीं कर सकता करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों भाइयों भतीजों सालों पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वो अपनी शारीरिक अब आवश्यकताओं को, प्रभु जी ठीक से दिखाई नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी, क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी। हाँ एक मिनट, हाँ अभी आ रहा है क्या अभी? जी 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 आवश्यकताओं को दुष्ट करना चाह रहा है। भगवान की भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया, और अंत अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है कि करिष्ये वचनं तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों से सम्मान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। जी बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है कि बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद की पहले अर्जुन जो लड़ाई करने का मन नहीं था उनका, तो क्यों था, क्योंकि वो सोच रहे थे ये सगे संबंधी जो मेरे गुरु हैं, पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, मेरे कौरव मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, बंधु हैं, वो सभी बंधु लोग को मैं मृत्यु करके ये राज्य भार चलाना चाहता हूँ। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, बोल रहे थे मैं जा करके वन में जाऊंगा, वहां पर भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान को उन्होंने यह जो याचना की वो किस पे आधारित थी, शारीरिक संबंध के आधार पर। लेकिन भगवान से जब उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान सुना तो क्या बोले वो, कि जो भी आप बोलेंगे मैं करूंगा, आप बोलेंगे युद्ध करने के लिए तो मैं युद्ध करूंगा। तो वो इसी प्रकार प्रभुपाद बोल रहे हैं कि
कि हमें भी यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जैसे हमें परिवार हमें प्राप्त है, हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो एक तरह हो सकता है कि हम उसको सिर्फ शारीरिक संबंध के रूप में समझे, लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि हम समझे कि ये जो मेरे माता है, पिता है, ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और मुझे इनका देखभाल भगवान के द्वारा दी गई सेवा के रूप में करना है। मेरे कोई पुत्र है, पुत्री है, तो यह भगवान के द्वारा दिए गए पुत्र पुत्री हैं, तो इनके जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं उन्हें हमें प्रदान करना यह भगवान को सेवा करने के बराबर है। ठीक है, तो यह जो घर प्राप्त है हमें, ठीक है, उसमें हमें भगवान को हर एक दिन नित्य रूप से सेवा करनी चाहिए, तभी वो भवन बनेगा। भवन मतलब वैसा जगह जहां पर भगवान वास करते हैं। अगर भगवान या भ को निकाल दिया जाए भवन से, तो वो वन बन जाता है। वन मतलब जहां पर सिर्फ लड़ाई पीट झगड़ा होता है। जब भगवान को घर से गृह से निकाल देते तो वो भवन से वन बन जाता है। तो हमें यह सोच विचार करना चाहिए कि यह जो भगवान के द्वारा ही घर दिया गया है, हाँ, हमें अपने पति पत्नी की सेवा इस तरह से करनी चाहिए कि वो हमें भगवान के द्वारा दिए गए, ताकि हम उनकी सेवा कर सके, उनके जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं वो पूर्ण कर सके, हाँ, और भक्ति में साथ साथ हम आगे बढ़े, है कि नहीं। तो हमें यह दृष्टिकोण अपना बदलना पड़ेगा। हाँ, इस संसार में मनुष्य कुत्ते और बिल्लियों के समान लड़ने के लिए नहीं है। ठीक है, इस जीवन मनुष्य जीवन का एक ही यह मनुष्य का योनि है जिसमें यह समझा जा सकता है कि हाँ भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, और कोई भी यह समझ नहीं सकता। कोई भी और अन्य जानवर किसी अन्य योनि में इसे समझा नहीं जा सकता। इसीलिए यह मनुष्य का जन्म जो है बहुत ही बहुत दुर्लभ है, तो इसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ एक दिन हमारा खत्म हो जाता है। जैसे कभी कभी हमारे टेबल पे एक कैलेंडर रहता है ना, वो कैलेंडर कैसा रहता है, उसका जैसे जैसे दिन खत्म होता है उसका पेज फाड़ना रहता है। तो अभी 2020 में पूरा साल तो लॉकडाउन में चला गया, तो हर एक दिन बैठे बैठे हम कैलेंडर का पेज फाड़ते फाड़ते क्या होगा, जब 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर आएगा, तो हम पूरा कैलेंडर खाली हो जाएगा, एक साल चला गया। इसी तरह दिन महीना साल 10 साल 50 साल वो गुजर जाएगा और हम वैसे के वैसे रह जाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, हाँ आगे पढ़िए कोई, तो एक पशु दूसरे पशु। हाँ, एक पशु और दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनविंतित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। हाँ, देखिए एक चीज है कि मनुष्य योनि में पाप लगता है क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है कि यह मेरे से तुच्छ प्राणी है, उसका वध करने से हमें पाप लगेगा। लेकिन कोई भी पशु है, जैसे बाघ है, वो हिरण की क्या करता है, वो उसका संहार करता है, उसको खाता है, उसे कोई भी पाप नहीं लगेगा क्योंकि भगवान ने उसका ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाया है। जैसे कोई मोबाइल होता है तो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, आप फोन करेंगे किसी नंबर पे तो फोन जाएगा, वैसे ही पशु का योनि में जो सॉफ्टवेयर है, उसका गाय का ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसको घास खाना है, बाघ का ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसको मांस खाना है, लेकिन मनुष्य का कैसा है वो सोच सकता है, हमें वेजिटेरियन होना है कि नॉन वेजिटेरियन होता है वो समझ सकता है, सोच सकता है। हाँ, इसीलिए उसको पाप भी लगता है। ठीक है, अभी देखिए आगे हम पढ़ेंगे 14वां पेज पे। हाँ पढ़िए इसको, इसका ट्रांसलेशन, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट पढ़िए नीचे, स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होता है वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं।
हाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने भगवद गीता के 15 दिन के सत्र में भी इसके ऊपर चर्चा की कि देवता कौन होते हैं और भगवान कौन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके अंदर बहुत सारे अनेक अनेक क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो एक ही होता है। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह है, जिसके इनके अंदर अलग अलग देवता हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु और शिव हैं। ठीक है, तो यह भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, कामस्तय सहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। कहा गया इसमें कि जिनकी भी बहुत बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं से चुरा ली गई है, तो वो देवताओं के शरण में जाते हैं। हाँ, और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यह भी कहा गया है कि भौतिक जो इच्छाएं होती है उसका प्रलोभन के कारण कोई भी देवताओं के पास जाता है तो उसे बहुत जल्दी उसको वह प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको प्राप्त करने से क्या होता है, वह उस भौतिक प्रलोभन में ग्रस्त होकर के भगवान को भूल जाता है, भगवान की भक्ति को भूल जाता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य को भूल जाता है। हाँ, मान लीजिए कोई स्वर्ग को पहुंचता है तो हमें पता है स्वर्ग में बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति की वहां पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, वहां पर बहुत सारे वहां पर जो है इच्छाओं की पूर्ति करने के समाधान है। तो क्या होगा, ऐसी जगह पर जाने से हम भगवान को ही भूल जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन का क्या हमने बताया, क्या लक्ष्य है, भगवान से संबंध को पुनः स्थापित करना, वही हम भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला गया है कि पढ़िए इसको, आनंदमय अभ्यासात भगवान पढ़िए यहाँ पर। आनंदमय अभ्यासा भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है और यदि जीव उनकी है। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपने वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए बहुत अधिक। देखिए क्या बताया रहा है कि आनंदमय अभ्यासा, ठीक है, ये वेदांत का एक सूत्र है, बोलाता है भगवान की ही भांति जीव जो है वो क्या कहते हैं, चेतना से पूर्ण है। हाँ, बोला जाता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ठीक है, तो अनेक अनेक चेतन जीव है, अनेक अनेक योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो पूर्ण चेतन वस्तु है। हाँ, वो पूर्ण चेतन वस्तु क्या है, भगवान है। हम आत्मा है तो भगवान क्या है, परमात्मा है। ठीक है, हम अनु हैं तो भगवान विभु हैं। नित्य, उसमें से नित्यानाम, चेतनश चेतनानाम, एको बहुनाम, वो एक जो भगवान है उससे अनेक क्या होते हैं, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यो विदधाति कामान, और हर एक ब्रह्मांड में अनेक जो जीव हैं उनके जो भी इच्छाएं उसको उनके कर्म के अनुसार पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक जीव, आप देखिए आपके जीवन में सुबह से लेकर के रात तक जो भी कार्य करते हैं वो एक ही चीज के लिए हम करते हैं, कुछ भी सुख उससे प्राप्त हो जाए। आप देखिए आपके जीवन में कुछ भी कार्यकलाप आप करते हैं, यह हम इसीलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ उससे हमें सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। तो यह जीव का एक क्या है, या उसकी नेचुरल डिस्पोजिशन बोला जाता है, उसकी वृत्ति है। हाँ, क्या वृत्ति है, जैसे चीनी की वृत्ति क्या होती है, मिठास देना। मिठास। जल का क्या गुण है, तरल स्था में रहना, मतलब वो हमेशा जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जीव की जो स्थिति वो क्या है, हमेशा सुख प्राप्त करना। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम जो भौतिक जगत में जो भी चीज में सुख प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, भौतिक जगत का कोई भी वस्तु जो है वो क्या होता है, वह
तुच्छ होता है, वह भौतिक पदार्थ से बना होता है, लेकिन जीव जो वो क्या है, वो भौतिक पदार्थ से नहीं बना है, वो भी सत्य चित्त और आनंद से बना है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वस्तु है। तो वो आध्यात्मिक वस्तु किसी अन्य आध्यात्मिक वस्तु के संगति में आकर के पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है, जैसे भगवान के। तो भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, आज है, या तो कल मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा या तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये लैपटॉप है, हाँ कुछ भी है भौतिक वस्तु, एक बड़ा बंगला है, एक कार है, एक अच्छी साड़ी है, या तो हम उसको छोड़ के चले जाएंगे या वो हमें छोड़ के चले जाएगी, ठीक है। तो वो भौतिक जगत की कोई भी वस्तु है वो हमें पूर्ण आनंद कभी भी प्रदान नहीं कर सकती, हालांकि आज हमें ऐसा लगता है, हालांकि ये शरीर भी हमें लगता है शरीर से हमें कितना अच्छा सुख प्राप्त होता है, लेकिन हमें यह शरीर एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, आगे पढ़िए, भगवान इस मर्त्य लोक में, पढ़िए आगे। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं, अपने गोप मित्र के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से अप्रतरित होती थे। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका परम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भगवान इस मर्त्य लोक में आते हैं किसके लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। अरे तुम लोग क्या ये भौतिक जगत में भौतिक चीजों से, भौतिक प्रलोभनों से सुख प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हो, उससे तुम्हें क्या होगा, बार बार फ्रस्ट्रेशन होगा, हाँ उससे तुम्हें ज्यादा समय तक के लिए सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है भौतिक जगत में अगर आप कोई बहुत अच्छी वस्तु भी देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा हमें खाना लगता है कोई भी चीज, तो उसी चीज को बार बार, मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो कितना खाएंगे आप, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, 50 खाएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, वो सैचुरेशन पा जाता है, वो उसके बाद हम खा नहीं सकते उसको, उसके बाद बोला जाएगा तो हमें घृणा होगी उससे, अरे गुलाब जामुन मत बोलो उसका नाम गुलाब जामुन का, लेकिन अगला दिन फिर से गुलाब जामुन बोलेंगे तो हाँ खाना है, ठीक है, और फिर से 50 दिया तो फिर से बोलेंगे नहीं नहीं बहुत खराब लगता है कि नहीं। ऐसा भौतिक वस्तुएं होती है, हालांकि हमें अच्छा लगता है फिर भी कोई ऐसा कंडीशन आ जाएगा जो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ, हम लोग कैंटीन में बैठ के कुछ खा रहे थे, समोसा खा रहे थे, खाते खाते अचानक बहुत अच्छा लगा हमें समोसा, तो खाते खाते क्या हुआ, हमें ऐसा ऐसे रिजल्ट आने वाला था उस दिन, तो जो मेरा दोस्त था उसको एक पिज्जा बहुत अच्छा लगता था, तो वो खाते खाते वो बोला कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, और अचानक मेरा एक और दोस्त आया और उसको आकर के बताया कि आज रिजल्ट आ गया नोटिस बोर्ड पे, अभी तुरंत मैंने रिजल्ट देख करके आया, तो मैंने पूछा क्या रिजल्ट आया बताओ, हम दोनों तो नहीं देखे, तो उसने बताया मेरे बारे में कि आप तो पास हो गए, अच्छा मार्क्स आ गया, और ये जो मेरा दोस्त था उसको पता था एक सब्जेक्ट उसका अच्छा नहीं गया है, तो उसे डर लग रहा था, और फिर उसने भी पूछा क्या मेरा रिजल्ट कैसे आया, तो उसने बोला तुम्हारा एक विकेट डाउन हो गया, मतलब एक विकेट डाउन हो गया मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, अभी फिर से उसको एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो वो जो पिज्जा था उसके हाथ में वो वापस उसने प्लेट में रख दिया, आप बताइए कोई भी हो क्यों नहीं खा पा रहा था, अभी उसको पिज्जा तो बहुत अच्छा लगता है, अभी क्यों नहीं खा पा रहा है, क्योंकि वो एक बैड न्यूज सुना ना, इसलिए बैड न्यूज सुना। हाँ तो क्या हो गया उससे, पिज्जा का टेस्ट चला गया, बैड न्यूज, मन खराब, नहीं नहीं मन खराब हो गया। हाँ मन खराब हो गया तो क्यों नहीं खा पा रहा है, इसी वजह से वो खाने के ऊपर ध्यान नहीं गया, वो एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर ध्यान चला गया। हाँ ठीक है, तो इसीलिए
क्योंकि भौतिक जगत में जो खुशी हमें प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होती है, वो हमारे आसपास के वातावरण, हमारी मनोवृत्ति और उस वस्तु, अनेक चीजों पर वो निर्भर करती है। कोई भी एक चीज नहीं रहा तो हमें वो सुख प्राप्ति नहीं होगी भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। हमेशा हम भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में जब भी रहेंगे सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आगे जाएंगे अभी हम। हाँ, तो ऐसा करेंगे कि आप लोग, ये भगवद गीता आप लोगों के पास है तो आप भगवद गीता का पूर्ण जो है भूमिका आप पढ़िए घर पे। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी कुछ हम नहीं ले रहे हैं, जो भी हाईलाइटेड है वही पढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग का होमवर्क है, जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ना आपके बच्चों को, या बाकी लोगों को होमवर्क मिलता होगा ना स्कूल में, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी यहाँ पर होमवर्क दिया जा रहा है उसी प्रकार। ठीक है, तो कोई आगे पढ़िए यहाँ पर, कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, पढ़िए यहाँ से। हाँ प्रभु जी, कोई बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों के से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर में संबंधित होती है। लेकिन हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि जब तक हम ये मानेंगे कि हम ये शरीर है तब तक हम शरीर से संबंधित वस्तुओं से खुशी प्राप्ति करने का प्रयास करते रहे, तो हमें यह उपाधि छोड़ देनी चाहिए। हाँ, कि हम शरीर है, हमें यह भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन यह शरीर का देखभाल करना है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम भक्ति को, जैसे कान है तो हम सुन पा रहे हैं अभी प्रवचन, भूख है तो हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। तो हमने भगवद गीता में चर्चा की, तीन प्रकार के गुण होते हैं तो प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन तीन गुणों से अगर कोई ऊपर उठना चाहता है तो भगवद गीता में बताया गया, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते। हाँ, बोला जाता है दैवी ही एष गुणमयी, यह जो प्रकृति है यह गुणों से बनी हुई है, उससे ऊपर उठना है तो माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरे और अपना सरेंडर, अपना शरण लेगा, मेरी शरण जो लेगा वो माया से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो शाश्वत अविनाशी धाम जो है होता है वो भगवान का धाम होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, हाँ, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जो भी है समझ जाता है जन्म और कर्म के विज्ञान को, वह शरीर को त्याग करने के बाद भगवान के धाम में जाता है और वापस कभी नहीं आता। ठीक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। हाँ, आगे पढ़िए यहाँ पर, अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करता है पढ़िए। हाँ, महेश प्रभु का आप पढ़ सकते हैं क्या? हाँ प्रभु। हाँ, ओके, सो अंतकाले च, वहां से पढ़े ना? हाँ, ओके, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेश्वरम य प्रयाति स मामेव य प्रयाति स सद्भाव यति नास्तस्य संशय। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग प्रभु थोड़ा जूम क्या त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें
रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। हाँ, तो जो भी हम सोचेंगे मृत्यु के समय वैसा ही हम अगला शरीर प्राप्त करेंगे। और मृत्यु के समय हम क्या सोचने वाले, जो भी हम अपने जीवन में सोचते हैं, आजीवन जो भी सोचते हैं वही मृत्यु के समय भी वो हमारे दिमाग में मन में आएगा। तो अगर कोई पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति करता है, हाँ भगवान की सेवा करता है, भगवान को प्रवचनों को सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसको मृत्यु के समय भी भगवान ही आएंगे और वापस वो भगवान के धाम जा सकता है। ठीक है, तो आज का प्रवचन हम यहाँ पर विराम देते हैं, अगली बार से हम यहाँ आगे से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपके व्हाट्सएप में मिल जाए।